Welcome. Improve your financial output in your office. अपने ऑफिस में अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए ब्लू कलर के ये जो फ्लावर है ये आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करिए अपने ऑफिस में। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके प्लेस है तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव को, महादेव को यही ब्लू कलर के फ्लावर है वो अर्पित कीजिए, ऑफर कीजिए। और आपको मंत्रा कौन सा बोलना है? ओम नीलकंठाय नमः। भगवान शिव आपकी इस इच्छा को पूरी करेंगे, आपका जो फाइनेंस है धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करिए आप अपने ऑफिस में, आपका बिजनेस ग्रो होगा भगवान महादेव की कृपा से। अकॉर्डिंग टू वास्तु, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हेल्थ एंड इम्यूनिटी का डायरेक्शन है। आपको प्लांट्स लगाने का बड़ा शौक है तो हेल्थ के अकॉर्डिंग, और ये डायरेक्शन भी क्योंकि हेल्थ एंड इम्यूनिटी की है, यहाँ पर आप बीटल की जो बेल है यानी पान के पत्तों की जो बेल है उसको यहाँ पर लगाइए। ये अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड इम्यूनिटी आपकी हेल्प करेंगे, आपके हेल्थ में इम्प्रूव होगा। तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने इस शौक को पूरा कीजिए। पान की जो बेल है ये यहाँ पर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। वास्तु दोष दूर करने के लिए कपूर सबसे बेस्ट रेमेडी है। कपूर को आप एक कांच के बाउल में अपने घर में प्लेस करिए। इसके अतिरिक्त यदि आपके रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम आ रही है तो कपूर को आप कांच के बाउल में रूम में रखिए, उसे रहने दीजिए। एक या दो ही टिकिया आपको डालनी है। ये जैसे जैसे समाप्त होती जाए, बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसके बाद में रिप्लेस वहाँ पर दूसरा कपूर जो है वो रख दीजिए। इस प्रकार से कपूर आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी, रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं घर में वास्तु दोष भी अगर है तो उसको भी दूर करें। आपकी लाइफ में गुड एनर्जीज नहीं है और आपको लगता है जैसे नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ गई है, उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है इस प्रकार से पिकॉक फेदर्स। पिकॉक फेदर्स को आप अपने घर में जरूर रखिए। इनके अंदर गुड वाइब्स होती हैं। ये आपके घर में आपकी एनर्जी को, आपके स्पेस को क्लीन करेंगे। गुड एनर्जीज होती है, लाइफ को बैलेंस करेंगे। इसके अलावा आपके घर में अगर इम्बैलेंस भी है तो ये बड़े काम की टिप है आपके लिए। इनको आप घर में प्लेस करिए, आप अपने बेडरूम में भी इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर नेम एंड फेम चाहिए तो आप इन्हें साउथ डायरेक्शन में जरूर प्लेस करिए। तो इनकी जो एनर्जीज है वहाँ की, अगर नेगेटिविटी वाइब्स भी आपके है तो उनको ये क्लीन करेंगे। तो पिकॉक फेदर्स से भी आप अपनी लाइफ में गुड इफेक्ट लेकर आ सकते हैं, जरूर प्लेस करिए। थैंक यू।